मर्तो यदा त्यक्तो समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो मे तदामृतत्वं प्रतिपाद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै मर्तो यदा त्यक्तो समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपाद्यमानो मयायात्मभूयाय च कल्पते वै गौड़ीय गोष्ठीपति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जी ने बताए जैत गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगतगुरु जी ने बताए जब मैं आप लोगों को उद्वेग दिए आप लोगों को मैं बड़ा भारी उद्वेग दिए और भजन कराने के लिए आप लोगों को वास्तव सत्य कथा बोल के आपको आप लोगों को भजन में प्रतिष्ठित कराने के लिए हमको बहुत सारे कठोर प्रवचन बोलना पड़ा। कभी न कभी ये बाब आपको समझ में आए आपका मंगल हो जाए। काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न दिवे श्री चैतन्य चरितामृतों का ये जो निचक सत्य वचन ये तो पक्का चैतन्य चरितामृतों का ये जो सत्य वचन इसको पालन करना जरूरी है ये तो ठीक है। लेकिन ये जो सत्य वचन का सहारा लेकर परम सत्य वस्तु का बारे में बोलना बंद कर देना ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। जीव हिंसा बहुत सारे जीव हिंसा कई किस्म का होता है। ये पौपात का विचार आदमी सोचते हैं किसी को मारना पीटना काटना ये हिंसा है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि देखो ये जो जीवात्मा है जीवात्मा का मंगल करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो उचित है कि स्वाभाविक बद्ध अवस्था में जीव किसी भी हालत से तैयार नहीं शरणागत होना बड़ा मुश्किल बोलने में बहुत आसान लगता है। शरणागत हो गया तो बहुत सारे कुछ हो गया। शरणागति का रास्ता में जीव चले ये प्राय असंभव है फिर भी संभव है। तो काय मनोवाक्य कार्य उद्वेग न निवे ये वचन ये जो शास्त्रों का जो वचन है इसका ये सत्य वचन का सहारा लेते हुए अप्राकृत जगत का जो निष्ठुर सत्य वचन जिसमें जीवों का मंगल हो सकता ये बताना बंद कर देना उचित नहीं। जीवों को उल्टा रास्ता में चलाना जीवों को झूठा बोलना प्रचार का नाम पे अपना स्वार्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए उल्टा रास्ते में चलाना ये सबसे बड़ा जीव हिंसा है। जीव प्रभुपाद जीव हिंसा के द्वारा शरीर का ऊपर अत्याचार तो लोग समझते हैं लेकिन जीवात्मा को ऊपर जीवात्मा को ऊपर कुछ उल्टा करना भक्ति का बारे में बताना जरूरी है। ये छोड़कर अगर उल्टा बोले तो मुश्किल है। काल ये चर्चा हो रहा था ब्रह्म गायत्री का जो मंत्र है प्रचोदयात हम लोग बोलते रहते हैं
जप करते रहते हैं। ये ब्रह्म गायत्री का जो मंत्र है, मंत्र देवता जो है स्वयं, ये मंत्र देवता इस गीता का प्रवचन के लिए स्वयं अर्जुन का रथ पर सवार हो गया और ये जो घोड़े का जो लगाम उसको पकड़ के सारथी का काम कर रहे हैं कुछवान। एक ही है जो हमारा बुद्धि का प्रेरक है, प्रचोदना कर्म जो है प्रेरणा देते हैं, यही भगवान अभी ब्रह्म गायत्री का जो मूर्त विग्रह है वो स्वयं हमारा पास उपस्थित है गीता प्रवचन के लिए। वेद श्रुति प्रस्थान और गीता श्रुति प्रस्थान, क्योंकि साक्षात भगवान का मुखाराविंद से पिघला हुआ वाणी, वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो, सर्व वेद का वेदांतों का सार वस्तु है। गीता का शिक्षा इट्सेल्फ कंप्लीट, परिपूर्ण, शरणागति का रास्ता अर्थात भक्ति का रास्ता में प्रतिष्ठित कर देने वाला बाली है। काल ये चर्चा हुआ था, दोसोई रेतोई कुलग्नानम वर्ण शंकर कारकई उत्साहदंते याति धर्मः कुलो धर्मश्च शाश्वता। शाश्वत मतलब नित्य, शाश्वत मतलब सनातन नित्य। और ये वर्ण शंकर के द्वारा जब सब कुल को जो हमारा खानदान है वो अगर उजार जाए तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे वर्ण शंकर का उत्पत्ति, वर्ण शंकर का उत्पत्ति का वास ये वर्ण शंकर दोषों के द्वारा कुलक्षय होने का चांस है। कुलज्ञानम वर्ण शंकर कारकोई, इसमें जाति धर्म जो अपना सदियों पुराना जो नियम नीति चलते आ रहे हैं, कुल धर्म जाति धर्म, जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता, सारे सत्यनाश का ओर बढ़ते हैं। इसमें लुप्तो पिंडोद्वक क्रिया काल ये बता, पतंत पितरो ही एशाम, पहला श्लोक में जब ये पिंडदान तर्पण करने के लिए पानी देने के लिए कोई कोई बचा नहीं खानदान में, तो ये खानदान तो ऐसे ही गया। और पूर्व जो है हमारा पित्य पुत्र पुरुष जितना सारे हैं ये तो इसको तो पानी दाना पानी कुछ नहीं मिले, मिलेगा नहीं, पिंडदान जल तर्पण सारे बंद हो जाए। और इसमें क्या होने का चांस है, पितृपुरुष जो है पूर्वजो इसका बड़ा भारी नुकसान, पतित होने का चांस है। और उत्सन्न कुल धर्मानम मनुष्यानम जनार्दनो नरके नियतम वासो, उत्सन्न कुल धर्मानम मनुष्यानम जनार्दनो नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रम। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, देखो ये उत्सन्न कुल धर्मानम, अगर कुल धर्म उत्सन्न हो जाए मनुष्यानम जनार्दन ही जनार्दन, इसमें नरके नियतम वासो भवति इति अनुश्रम, इसमें मनुष्यों को जो हमारा खानदान का जो है वो नरक के नियत
नरके नियतम वासम, नरक वास, नरके नियतम वासम, नरके नियत वास होता है ऐसा हम सुने हैं। ऐसा करके अर्जुन अपना तरफ से, ये तो हृदय दुर्बल है, ये कोई पंडिता ही नहीं है, कोई तत्वज्ञान नहीं, फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान चुपचाप सुनते आ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं और भगवान सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं बोला अभी तक। अहो वतो महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता भयम, क्यों हम ये इतना बड़ा पाप कर्मों को करने के लिए क्यों आगे बढ़े। अहो वतो महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता भयम, क्यों निश्चय कर लिया पाप करने। जद राज्यो सुखो लोभे न हंतुम सज्जनम उद्धता, अपना सज्जनों को वध करने के लिए, राज्य सुख, राज्य राजधानी का सुख प्राप्त करने के लिए क्यों हम लोग ये सब निश्चय कर लिया, क्यों किए, ऐसा पाप करने की क्या दरकार है। अहो बतो महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्यो सुख लोभे न हंतुम सज्जनम उद्धता, हम लोग ये दरकार क्या है, क्यों। अर्जुन का ये प्रश्न है, विचार बना रहे, और बाद में ये तर्क दिए कि यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणयो धार्तराष्ट्र रणे हन्युहु स्तन में क्षमतरम भवित, अगर ये लोग मेरे को धार्तराष्ट्र में धृतराष्ट्र का पक्ष का जो सेना है सब, ये लोग अगर हमको मारने के लिए तैयार है, मारे यदि माम अप्रतिकारम, फिर भी हम प्रतिकार करने के लिए अस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणय हो धातोराष्ट्रा रणे हन्नुहु स्तन में क्षमतरम भवे, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्रम, यदि हमको अशस्त्रो अशस्त्र हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, फिर भी वो लोग अस्त्र लेके हमको मारने के लिए आए, धातुराष्ट्रा रने हन्नुहु स्तन में क्षमतरम भवे, फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे, ये भी क्षमतरम भवित माने ये हमारे लिए मंगलदायक हो, फिर भी ये हमारे लिए रणदायक, हमारे लिए श्रेय श्रेयस्कर हो, ये ऐसा ऐसा विचार करके अर्जुन आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कम से कम अर्जुन का कहना है कि कम से कम तो भीष्मो द्रोणो आदि इतना सारे बड़े बूढ़े हैं, हमारा पालन पोषण किए, सब कुछ है, शिक्षा दिए हैं सब, इनको इन लोगों को मारने का तो कोई हमारा कोई मारने का तो कोई हमारा इच्छा नहीं, और अगर हम ना मारे कम से कम तो पाप से बच जाए, ये कहना है। बंधुगणों को जितना सारे बंधु बांधव शिक्षा के संबंधी रिश्तेदार इन लोगों को मार के मैं पापों के द्वारा अपना जीवन जिंदगी को नाश करना नहीं चाहता हूं, ये है। अभी इतना तक कह के विराम विश्राम दिए अर्जुन, और अभी संजय कह रहा है, अभी संजय कह रहा है कि एवं उक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थो उपाविशत विसृज्य सरम चापम शोको संविघ्नो मानस। एवं उक्त्वा अर्जुन एवं ऐसा प्रवचन देके
सांख्य मतलब ये युद्ध युद्ध क्षेत्र में रथोपस्थ रथों का ऊपर उपवेश उपवेशन कर दिया। अभी तो सेना वाहिनी का पूरा तमाम सेना सेनाओं को निरीक्षण करने के लिए थोड़ा देर तक खड़े रहे, क्योंकि रथम स्थापय मेच्युत आदेश किए न सेनायो रुभयोर मध्य, ऐसा करके बीच में रथ को खड़ा करो। उसके बाद खड़ा होकर निरीक्षण करना शुरू कर दिए। उसके बाद इतना सारे प्रवचन दिए और उसका बाद रथोपस्थो उपविशत बैठ गए। विसृत सशरम चापम अपना गांडी धनु तीर धनु सब चापम सब छोड़ के विसृत विशेष रूप से त्याग करके सो को संविघ्न मानस सों को संविघ्न मानस बड़ा दुखित अंतर से शोक ग्रस्त होकर पूरा चुप हो गया, ऐसा संजय का कहना है। ऐसा करके विश्वनाथ चकोतिबाद जी ने बोले जिस सजनो बधाद विमुखस्य अपना सज्जनों को मरने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है, और ये युद्ध कैसे हो पाएगा, ये युद्ध तो हमारा लिए करना उचित नहीं है, ऐसा बोल के शोको संविघ्न मानसा शोकग्रस्त होकर बस बैठ गया। शंकराचार्य जी ने पहला अध्याय का वो जो पहला अध्याय का अर्थात ये जो अर्जुन का जो शोक है अर्जुन का, यहाँ तक कोई टीका टिप्पणी नहीं किए। जब से भगवान उवाचो अर्जुन का बात भगवान कहना शुरू कर दिए, वहाँ से एक्चुअली शंकराचार्य आदि टीका टिप्पणी शुरू किए। और ऐसा देखा जाए तो पूरा गीता का ऊपर इंट्रोडक्टरी स्पीच अगर चले, पूरा ध्यान करते करते चले तो बहुत दिन समय लग जाए। अगर ऐसे चले तो ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाए, और आप लोगों में उतना पेशेंस है कि नहीं विचार करके मैंने सोचा ठीक है चलो थोड़े सी शब्दों में सार वस्तु को कह दे, उतना विस्तृत रूप से विचार बुद्ध करने वाला तो कम है, इसीलिए थोड़ा बहुत जल्दीबाजी की है, और नहीं तो ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाएंगे, और जीवन बहुत छोटी, उसके बाद बहुत सारे शास्त्र पढ़ा हुआ है। इस तक एक्चुअली श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषदे प्रथम अध्याय का वो जो समाप्त हो यहाँ तक है। दूसरा अध्याय में द्वितीय अध्याय यहाँ भी संजय एक बार ऐसा बोल के अंध धृतराष्ट्र को ऐसा बताए कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोको संविघ्न मानस, ऐसा बोल के समाप्त किए। दूसरा अध्याय पे अभी संजय उवाचो, यहाँ भी संजय उवाचो क्या हालत है धृतराष्ट्रों का पूछना है, तो अभी उसका बाद फिर क्या हुआ। संजय उवाचो तं तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, यही एक्सीलेंसी है। त्वं तथा ये अर्जुन को एकदम अश्रुपूर्ण लोचन होकर एकदम विषादग्रस्त होकर एकदम चुपचाप बैठ गए विषाद प्राप्त होके, इस समय कृपया
कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण पूर्णाकुलेक्षणम अश्रुपूर्ण आकुल अश्रुपूर्ण आकुल इक्षण अश्रुपूर्ण आकुल दृष्टि, ऐसा जो हालत है इस समय भगवान मधुसूदन अपना विचार प्रस्तुत किए, और विचार प्रस्तुत करने का पहले ही एक जोर से फटकार लगे। अर्जुन कभी आशा नहीं किए कि दोस्त ऐसा बोल सकता है। भगवान अब इसी भगवान वाचो कुतस्ता कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनाज्य जुष्टम असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, कहाँ से तुम्हारा ये जो आपत्काल में विपत काल में अनाज्य सेवित हो, अनाज्य मतलब श्रेष्ठ जाति जो अनाज्य है इनके दिखाए हुए पद जो है ये तुम्हारा नहीं है, ये अनाज्य सेवित हो, अनाज्य जुष्टम असर्गम सर्ग प्रतिषेधक, अतः ये तुम सोच लिया कि सर्ग प्राप्त हो, नहीं ये भी नहीं, अनार्ज्य युष्टम असर्गम अकीर्तिकरम, अकीर्तिकरम आख्याति तुम्हारा बदनामी हो जाएगा, ऐसा मापिक कलमस मोह। अर्जुन का प्रवचन सुन के ऐसा लगा कि वो कोई पंडित है और वैराग्य को प्राप्त किए इसीलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन सर्वांतर्यामी भगवान परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण या कह दिए कलमस है, कलमस माने मोह, मोह अज्ञान है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैत्य धर्म अर्थ काम मुख आदि ऐसा। ये अर्जुन धर्म दिखा रहे हैं, देखिए धर्म नहीं है अधर्म है, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैत्य धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि ये सब, धर्म मतलब भागवत धर्म नहीं है, ऐसे ही समाज धर्म लोक धर्म संसार जो कुछ भी हैं ये सब जो है बेकार की बात है। तो भगवान बोले जे ये तो तुम्हारा कीर्ति, तुम्हारा जो इतना कीर्ति है सारे कीर्ति नाश होने वाली है, अकीर्तिकरम अख्यातिकर इदम ऐसा मापी कलमस मोह, कहाँ से आ गया, कुतस्ता कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनाज्य युष्टम असर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये तो कीर्तिकर नहीं है, मुश्किल है। भगवत शब्दों का आपको पता है, भगवत सुने होंगे बार बार, ऐश्वर्यस्व समग्रस्व जस ऐश्वर्य समग्रस्व जसोस श्रेय ज्ञान वैराग्य शैव सड़ो इति भगव इंगना, ये जो समग्र ऐश्वर्य समग्र वीर्य समग्र जसो समग्र श्री समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य ये छह भग नाम से विख्यात फेम। पराशर मुनि ने यह बताया शास्त्र में, भगवान सर्वदा ये सारे से जो पूर्ण है और अर्जुन को कह रहे हैं कि सधर्म में तुम तो सधर्म पालन करने के लिए विमुख है, सधर्म में क्षत्रिय चित्त जो धर्म है तुम तो क्षत्रिय हो और ये सधर्म में सधर्म पालन करने के लिए तुम्हारा जो विमुख भाव है और ये शिष्ट गणों का विरुद्ध है, ये उचित नहीं है, ये संकट काल युद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरुआत होने वाला है,
যুদ্ধ বৈরাগ্য মুক্তি স্বর্গ কিংবা যুদ্ধ যো হে কই যুদ্ধ ক্ষেত্র মে বৈরাগ্য কা বাতে নো এ সব চিজ করনে কা টাইম নেই হে ইসলিয়ে বলে যে অনার্য মতলব জব যুদ্ধ করনে কে লিয়ে আয়ে হো তো যুদ্ধ করকে দিখানা হে বীরো কা কাম হে যুদ্ধ ক্ষেত্র সে বিমুখ হোকে লোটনা বীরো কা কাম নেই হে প্রাণ কো বলিদান দেকে মরমিট যায় ফির ভি ঠিক হে লেকিন যুদ্ধ ক্ষেত্র সে বিমুখ হোকে বাপস আনা এ কোই বীরো কা কাম নেই হে উচিত নেই তো যা যাহা তক বিচার হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসো বলে আপনার কীর্তি কা খিলাফ হ্যাঁ আপনার যে ইতনা যশ হ্যাঁ এসা সব খিলাফ হলে এ বাত বাতাই তো ঠিক তোমারা বিচার ঠিক নেই আর বাদ মে তো এসা বাত বলে কি অর্জুন কবি আশা নেই কি কবি যে কৃষ্ণ এসা বোল সকতা হ্যাঁ মেরে ক্লৈব্যম মাসমগমহ পার্থ নৈতত ত্বয়ি উপপাদ্যথে ক্ষুদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যম ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ইয়ে ক্লিবো কা কাম হ্যাঁ ক্লিব ধর্ম প্রাপ্ত হোনা উচিত নেই তোমার ক্লৈব্যম মাসমগম পার্থ এ তো ক্লিবো কা ধর্ম হ্যাঁ না না কই বীরো কা কাম হে এ তো আদমি কা কাম নেই জনানি কা কাম নেই ক্লৈব্যম মাসমগমহ এসা তোমার উচিত নেই ক্লিবো কা মাফিক ধর্ম আশ্রয় কিয়ে হো তুম এ তুমসে শোভা নেই দেতা হে পরন্তপ এ ক্ষুদ্র ভেরি ন্যারো ভেরি বহুত বহুত তুচ্ছ ক্ষুদ্র এ হৃদয় দুর্বল্য হ্যাঁ এ ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্বল্যক পরিত্যাগ করকে তুম ক্ষত্রিয় হো যুদ্ধ করেন কে লিয়ে আয়ো হো যুদ্ধ করেন কে খারা হো যাও এ উচিত নেই এসা করকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পহলেই এসা বতা দিয়া দেখো এ তুচ্ছ ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্বল্য হ্যাঁ এ কই বৈরাগ্য কা ভি বাত নেই এ কই কই ধর্ম কা বাত নেই এ ঠিক নেই বাহারি দৃষ্টি মে দেখা যায় তো ভগবান বর্ণাশ্রম ধর্ম কো স্থাপন করনে কে লিয়ে এ গীতা প্রবচন এসা সাধারণ আদমি কহতে হ্যাঁ লেকিন এসা নেই পুরা গীতা কো গুরুবর্গ কা অনুগত্য মে পাঠ করনে সে অনুভব করনে সে এ গলত ফেমি দূর হো যায় এ ঠিক নেই অন্তিম মে ভক্তি করা মার্গ দেখানা ভক্তি মে প্রতিষ্ঠিত করানা ইয়ে কাম হ্যাঁ গীতা কা এসা করকে একদম দুর্বল অর্জুন কো বল বীর্য কা অভাব অর্জুন দেখা রে কে দেখে ইতনা আমারা পিতামহ ভীষ্ম আদি হ্যাঁ এ লোকও কিতনা সারে আমারা লিয়ে কিয়া আর হাম আগর এ লোক সাথ যুদ্ধ করকে ইসকো মারে তো ইয়ে ঠিক আবি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসা দু শ্লোক কহনে কা বাদ অর্জুন কে রে কি কথম ভীষ্মম অহম সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ইশু ভি প্রতিজ স্বামী পূজার্হা বরিশূদন এসা হ্যাঁ কি কথম কেসে আবি প্রশ্ন উঠায় ঠিক আপ তো কে রে হো এ মেরা হৃদয় দুর্বল্য হ্যাঁ ক্লিবো কা মাফিক মেরা লেকিন আপি বতাও অর্জুন কে রে কথম ভীষ্মম অহম সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন ইশু ভি পতি যো স্বামী পূজার হাওরিশূদন
पुजार हो प्रपूज्य, हमारा गुरु वर्ग जो है पूजनीय जो प्रपूज्य है, भीष्म द्रोण इसके साथ कैसे बाण चला के उसका साथ युद्ध करे और उसको मारने का कोशिश करे, ये कैसे संभव है आप ही बताओ। यहां प्रश्न आता है ये अर्जुन का जो प्रश्न है इसका बाद ये प्रश्न है इसका जवाब देने के लिए भगवान धीरे धीरे सारे माने बता रहे हैं कि देखो ये जो गुरुन हत्या ही महानुभावानो, गुरुन हत्या ही महानुभावानो श्रेयो भक्तुम भक्षम अपि हो लोके हत्वार्थो कामंस्तु गुरु निहैवो भुंजियो भोगानो रुधिर प्रदिग धानो। अर्जुन ने ये प्रश्न उठाया कि एक गुरुजनों को मारने से और अच्छा है गुरुनो हत्या ही महानुभावानो, ये गुरु वर्ग जो है हमारा जो है इनको हत्या करने से इससे तो अच्छा है श्रेयो भक्तुम भक्षम अपि हो लोगे, ये जगत में भिक्षा करके भिक्षुक आश्रम, ये भिक्षुक आश्रम ग्रहण करना ठीक है, भिक्षा द्वारा जीवन को गुजारा करे ये ठीक है, क्योंकि अगर हत्या करे गुरुवर्ग को हत्वार्थो कामांस्तु गुरु निहैवो, और ये लोगों को मर के ये जो धन संपत्ति राज्य राजधानी है ये तो खून से रंगाया हुआ है, गुरुवर्गों का खूनों से रंगाया हुआ है ये राज्य राजधानी संपत, ये हमको भूख ये कैसे हम भूख करें। ऐसा करके धीरे धीरे प्रश्न उठाए अर्जुन, अगर ऐसा विचार किया जाए अर्जुनों का पक्ष से पूर्व पक्ष किया जाए, अर्जुनों पैतृक राज्य लाभ करने के लिए स्प्रिया नहीं है, यही विचार करके अगर युद्ध का विश्राम दे दे अर्थात युद्ध करना बंद कर दे तो उसका जीवन यात्रा कैसे चलेगा, वो तो क्षत्रिय है, हाँ चतुर्वर्ण मया श्रेष्ठ भगवान सब व्यवस्था की है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हम ऐसा गुरुजनों को बात करके और इनके खूनों के द्वारा रंगाया हुआ जो संपद राज्य राजधानी संपद ये सब हम लेने के लिए हम एक काम करें, हम भिक्षा के द्वारा अपना जीवन जिंदगी गुजारा करेंगे। यद्यपि ये क्षत्रियों के लिए निंदनीय है, क्षत्रियों कभी ऐसा नियम है मनुसंहिता में अगर ब्राह्मणों का विपत्ति काल में ब्राह्मण कम से कम क्षत्रियों का जो कर्म है ये कर सकता है, लेकिन इसके नीचे आने का चांस नहीं। और क्षत्रियों अगर आपत्ति काल इसमें एक धाप नीचे एक सीढ़ी नीचे वैश्यों का काम कर सकता, ये नियम है। खत्रियों का लिए ये तो उचित नहीं है, निंदनीय कार्य है, वह खत्रियों पक्ष निंदनीय कार्य ये उचित नहीं है। और अगर ये विचार किया जाए भीष्मादि गुरुजन जो है ये सब दुष्ट दुर्योधनों का साथ जुड़ा हुआ है, द्रोणाचार्य भीष्मो
ये जो है गुरुजन वर्तमान समय में हे अर्जुन, तुम्हारा जो राज्य राजधानी को अपहरण किए राज्य अपहारी विद्रोही दुर्योधन आदि के संग में लगा हुआ है अभी, तो कर्तव्या कर्तव्य ज्ञानहीन हो गया, क्या उचित नहीं उचित ये लोग तो विचार नहीं कर रहे, तुम ही विचार करने वाले हो। जो तुम्हारा बिना बिना कसूर बिना कोई कारण तुम्हारा राज्य राजधानी को हड़प कर लिए, तुम्हारा विरोधी विरोधिता कर रहा है, विरोध कर रहा है, तुम्हारा तुम्हारा साथ बेईमानी कर रहा है, आज दुर्योधनादि दुशासन आदि दुष्ट है, ये लोगों का साथ तो है, ये तुम्हारा जो गुरुवर को तुम कह रहे हैं को तो अपना कर्तव्य को उठा रहे हो, ये द्रोणाचार्य जो है पितामह भीष्म क्यों वो लोग का संग है, और संग रहने से संग दोष तो सबको ही को लगता है। संगों का दोष सबको ही को लगेगा, आ तो तुम्हारा इसमें विचार बनाने का क्या दरकार है, तुम ही हैं वो लोग तो कर्तव्य कर्मों को विचार नहीं कर रहा, तो ये लोग तो गुरु तो है, पहले तो गुरु था लेकिन अभी ये दुष्ट संगों के कारण ये भी तो हो सकता है कि लोगों में अपना गुरुत्व का अभाव हो गया। गुरु अगर गुरु में गुरुत्व का अभाव देखा गया तो उसको गुरु कैसे माना जाए, संघ का तो दोष लगता ही है। रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजंती बोई, ऐसा युक्ति उठा सकता है, तो हमने शास्त्र में देखा रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजंती बोई, रजतम सतो गुण की जैसे जैसे गुण है उसी हिसाब से अपना अपना संघ को प्राप्त करता है, ऐसा अगर विचार उठाए तो है तो गुरुवर, पहले तो गुरुवर लेकिन अभी दुष्ट संगों के कारण इसका इनके जो गुरुत्व का अभाव हुआ नहीं, ऐसे तुम कैसे बोल सकते हो गुरुत्व का अभाव हुआ। इन लोगों का संग में युद्ध करना ये तो कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों का विचार है गुरु अगर विषय में लिप्त हो गया, नीचा काम किया, बहुत एकदम स्त्री संग आदि नीचा काम किया, संपत्ति भोगने के लिए पैसा का पीछे दौड़ रहा है, गुरु अगर विषय भोगों में लिप्त हो गया, गर्व हो गया, बड़ा गर्व अहंकारी कर्तव्य कर्म ज्ञानहीन उत्पतगामी, इस समय गुरु को प्रत्यक्ष करने का विधान तो है ही है, इसमें क्या दोष है। और भागवत जी महापुराण में यह तक यहां तक विचार है गुरु न सस्यात सज्जनो न सस्यात पिता न सस्यात सज्जननी न सस्यात, ये सब विचार है, दैवन न सस्यात पतिम न सस्यात नमोचेत जौ समुपेत मित्युम, समूह मृत्यु हमारा जीवन जिंदगी जो मरने वाला है, आदमी तो मरने वाला है, आदमी तो मरने वाला है, जो हमारा समुपस्थित मृत्यु से बचा नहीं सके वो गुरु गुरु नहीं, गुरु न सज्ज गुरु न सस्या सज्जनों न सस्या, वो सज्जन नहीं है, वो पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो देवता नहीं है, वो पोति भी नहीं है, जो हमारा समुपस्थित मौत है हमारा सामने, इससे हमको अगर बचा ना सके तो कौन सी ये पिता है गुरु है क्या है, हम क्या करें। आपको जानकारी है बलि महाराज जी द्वादश महाजनों में एक मान्यता प्राप्त महाजन, और बोली महाराज जी शुक्राचार्य जो गुरु का उपदेश को खंडन कर दिए, नहीं लिया नहीं, गुरु ने बोले ऐसा कर नहीं करना,
क्योंकि बाहरी दृष्टि में शुक्राचार्य जी असुर खानदान का गुरु बन के बैठा हुआ है, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का आचार आदर्श आइडियलिज्म जो है, ये बोली महाराज जी ने अपना जीवन जिंदगी में ग्रहण किए। इसीलिए बोली महाराज जी असुर होते हुए भी इतना पावरफुल है, इतना सम्मानीय है। प्रहलाद महाराज को जानते ही हो, ये भी असुर कुल का है। तो क्या हुआ, भक्ति जिस आधार पे रहे उसका सम्मान सबसे बड़ा है। भक्ति जिसका आधार में रहे ये सबसे बड़ा सम्मान इसका ही है। चाहे तो ये जो है, ये गुरु न सस्या सज्जन ही तो है ही है, और शास्त्रों का विचार से अगर ये उल्टा काम किया, उल्टा रास्ता भी किया, इसको छोड़ना कोई तो दोष का काम नहीं, ये तो ठीक ही है। अर्जुन अभी ये बोलना चाहता, अंदर का अर्जुन का अंदर का भाव है, जो महानुभाव, ये लोग महानुभाव है। द्रोणाचार्य जो अस्त्र शिक्षा कराया, लेकिन ये ब्राह्मणोत्तम बोला, ये हमारा गीता का पहले ही चर्चा करते हुए, और ये को वेद वेदांत शास्त्रों का अनुभव है। सो अर्जुन का मन का ये भाव है, ये महानुभाव है, वेद ध्यान ब्रह्मचर्य विनय आचार आदि संपन्न होने के कारण आचार ये है लोग, इसीलिए ये महाप्रभावशाली है, महाप्रभावशाली है। ये द्रोणाचार्य जो पितामह भीष्म ये लोग काल अर्थात मृत्यु को जय किए, ऐसा ही है, इतना पावरफुल। मृत्यु काम ये रिपुओं को जय करके बैठे, वसुधरम युद्धावले अर्थात उचित युद्ध नहीं करने से भी ये तेजियासंग न दोषायु, ये तेजियान है, ये लोगों का दोष होने से भी दोष नहीं है, क्योंकि ये पावरफुल है बहुत, ऐसा युक्ति दे रहे। अर्जुन का अंदर का भाव है, आप तो कह रहे हो ठीक ही है, लेकिन फिर भी ये लोग, ये जो द्रोणाचार्य जो है, पितामह भीष्म है, ये लोग का इतना तपस्या, इतना पावर है, ब्रह्मचर्य जो है, विद्याध्ययन और विनय भाव सब कुछ है, तो इसके कारण ये का अंदर में जितना प्रभाव है, छोटो मोटे दोषे के कारण ये लोग का पतन होना संभव नहीं। पितामह भीष्म क्यों दुर्योधनों का पापिष्ट दुर्योधनों का पक्ष आत्मविक्रय किया, अगर कृष्ण बोले ये पूर्व पक्ष किया परपक्ष, अच्छा देखो ये जो भीष्मादि हैं ये क्यों दुष्ट दुर्योधनों का पक्ष गया, पक्ष लिया, पापिष्टों का पक्ष में आत्मविक्रय किया इन लोगों के लिए। तो ये लोग का अंदर में महानुभाव जो आप कह रहे हैं, ये कैसे हम अनुभव करें कि इन लोगों का अंदर महानुभावता है। भीष्म स्वयं युधिष्ठिर जी को बताएं, ये देखो बेटा उभय पक्ष मेरा समान है, उभय पक्ष मेरे लिए समान है, पांडव कौरव ये मेरा दूजा भाव नहीं है, फिर भी मेरा पहले का भी प्रतिज्ञा है कि ये राज्य राजधानी कुरुवंशों का खानदान को रक्षा करने के लिए मेरा पहले से ही है, और आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किए, और दुर्योधन आदि ये लोगों का साथी रहा, इन लोगों का दुष्ट का अन्नो क्या करे, जैसे विदुर जी कभी दुर्योधन का अन्न नहीं खाते थे, अपना भिक्षा करके गुजारा करते थे, ऐसे फ्री सर्विस विदुर जी का तरफ से मंत्री का जो काम है इसके लिए एक पैसा भी नहीं लेते थे, फिर भी उसको अपमान करके भगा दिया,
यदुष्ट दुर्योधन। और पितामह विश्व का पहले से ये एक प्रतिज्ञा, ये राज्य राजधानी के लिए जीवन जिंदगी है, ये इसको रखा करना है। बीच में तो कुछ घटना हुआ, फिर भी पितामह भीष्म कह रहे हैं कि ये दो भीष्म युधिष्ठिर महाराज जो कहे देखो दोनों पक्षों मेरा समान है, लेकिन फिर भी मेरा पहले का जो इरादा है। और एक बात भी है, दुर्योधन का जो अन्न हमने खाया चिरोदिन प्रतिपालन, ये राज्य राजधानी भी हम रहा खाया पिया सब कुछ, और जो कुछ भी है पुरुष सर्वदा अर्थ के दास है, अर्थ के दास है, चार पुरुषार्थ है ना। यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हैं कि पुरुषगण जितना सारे पुरुषाकार है हम देख लेंगे हर कण लेंगे, ये सभी आदमियों के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है ये पुरुषगण जो है जो अपना ऊपर भरोसा रखने वाले अपना बल बीजों पर अपना हिम्मत पर इसका भरोसा है, ये पुरुषाकार ये पुरुषगण अर्थ का ही दास है। कुछ भी करे अंतिम में क्या मिलना है, व्हाट इज द फाइनल टारगेट, क्या मिलने के लिए कर रहे हैं, ये अर्थ है, इसका विनिमय हमको ये मिले। पुरुषगण सब अर्थों का दास है, लेकिन अर्थ किसी का दासत्व नहीं करते, सब अर्थ का दासत्व करते हैं लेकिन अर्थ किसी का दास नहीं है। या सत्य या हम कौरव गणों का अर्थे अर्थों के द्वारा नितांत बद्ध, इस उक्ति के द्वारा अपेक्षिक रूप में पितामह भीष्मादि अतिशय अर्थलभी पराधीन प्रतिष्ठालभ ऐसा देखा जाता है। तो इसका बधों में क्या पाप हो सकता है, यही युक्ति है। अगर ऐसा ही हालत है लोगों का तो इसका बाद में क्या पाप हो सकता है, वो तो दुष्ट दुर्योधन का अधर्म का पक्ष है। अर्जुन का पक्ष लेकर अगर विचार करें तो ये उत्तर आता है, हाँ ये लोग बाहरी दृष्टि में धनलभी पराधीन और हमारा गुरु है और ये लोगों का बद में बद हो सकता है, लेकिन फिर भी ये परकाल में मेरा अमंगल अतिशय अमंगल, ये लोग हमारा विरुद्ध में अजीत युद्धार्थी युद्ध करने के लिए आए हैं, फिर भी ये लोग हमारा गुरु है, हम ये लोगों को बद करके राज्य राजधानी लाभ करके प्रतिष्ठित होने का इच्छा नहीं रखते, इसे वनवासी होकर भिक्षान्न ग्रहण करना ही श्रेयस्कर, अर्थात कम से कम मेरा पाप स्पर्श न करे। भीष्म पितामह का बारे में थोड़ा जानकारी जरूरी है इस बात को खुलासा करने के लिए, नहीं तो संशय संदेह रह जाएगा क्यों पितामह अवश्य ऐसा की। द्रौपदी जी भी अंतिम समय में सर्वसज्जा में रहते हुए इतना सारे प्रवचन दिए, पितामह भीष्म लोक धर्मों समाज धर्मों राजनीति सारे सारे इस, और द्रौपदी जी अंतिम में प्रश्न किए पितामह एक प्रश्न है, आप इतना सुंदर प्रवचन दे रहे हो कि जब हमारा अपमान हो रहा था तो आप तो उसी सभा में मौजूद थे, कुछ नहीं किए, आपका शक्ति आपका बोलने का क्षमता सब कहाँ गया था। पितामह भीष्म ने सर झुका लिया। पितामह भीष्म के बारे में थोड़ा जानकारी जरूरी है, ये शांतनु पुत्र अर्थात शांतनु गंगा मैया गंगा जी का पुत्र है, चिरकुमार पुत्र आजन्म अस्खलित ब्रह्मचर्य पालन की और भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भारी भक्त है।
बड़ा भारी वाक्य, ये महावीर जितेंद्रियो उदार सत्व प्रतिज्ञो तमाम गुणों का खजाना है। जो मृत्यु जीवों के लिए इनेविटेबल है, अवधारित मृत्यु होना ही है, कब कैसे क्यों आए जिंदगी में मौत, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन से मृत्यु को भी वशीभूत करके सौ बस में लाके इच्छा मृत्यु को प्राप्त किए, इच्छा मृत्यु अर्थात अपना जीवन में इच्छा मृत्यु का व्यवस्था की। सायंगुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद भीष्मो जनको बलिर वैया सखिर भयम। सायंगुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद भीष्मो जनको, तो इसमें द्वादश महाजनों में एक है। महाजन का आचार आदर्श जो है इतना ऊंचा है, ये साधारण आदमी सोच भी नहीं सकता। क्यों? दुर्योधन का पक्ष में है ये, तो अपना प्रतिज्ञा को निभाने के लिए ऐसा ही। तो ये जो भीष्म द्रोणाचार्य से है नो, ये कृष्ण भक्त जो पंच पांडवों का विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी पितामहावश्य नित्यो कृष्ण नित्यकाल कृष्ण सुख संपादनकारी कृष्ण भक्त बड़ा भारी भक्त है। ये पितामह भीष्म का कहना था कि हम कौरवों का अर्थ में नितान्त भक्त हो गया, पहले का भी प्रतिज्ञा तो है ही है, इसमें बाहरी दृष्टि में उनको अर्थलोभी पराधीन ऐसा अनुभव हो सकता है, लेकिन असली बात तो ये लोभजोई कामजोई लोभजोई परम स्वतंत्र इच्छा करके क्यों कर रहे हैं। शुद्धा सरस्वती क्या क्या मतलब, शुद्धा सरस्वती क्या कहना चाहती है, महिमानुभावान ए रूप है नो, यहाँ जो है ये तेजस्वी भीष्मो कौरव गण का पक्ष ग्रहण करने से तेजस्वी पितामह भीष्म जब भी बाहरी ऋषि में दुर्योधनों का संग कौरवों का पक्ष में, फिर भी इसका गुरुत्व का लघव नहीं हो सकता, क्योंकि अंतर आत्मा का जो भाव है अर्थात ये तो समाज धर्म लोक धर्म ये तो आ गया, और बाहरी दृष्टि में पितामह भीष्म का शरीर जो है ये भी वो राजधानी में रहा, लेकिन आत्मधर्म जो है आत्मधर्म का अगर प्रसंग उठाए आत्मधर्म का अगर प्रसंग उठाए तो ये पितामह भीष्म हर वक्त भगवान श्री कृष्ण का संतुष्टि विधान के लिए व्यस्त है। बोले महाराज ये कैसा संतुष्टि विधान का व्यवस्था, बाहरी दृष्टि में तो विचार में बनता ही नहीं कुछ। श्रीमद भागवत जी महापुराण में ये आपको याद होगा कि कुरुक्षेत्र जब सर सज्जा में पितम विश्व परा रहा श्रीअंगे सर सज्जा में, उसी समय जब पंच पांडव और सारे तमाम ऋषि मुनि और भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म का जो इच्छा मृत्यु पड़ा हुआ है, किस कारण पड़ा हुआ है, भले भगवान का दर्शन हो जाए, अंदर में इच्छा, भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल ये इच्छा को पूर्ति कराने के लिए स्वयं आ पहुंचे कुरुक्षेत्र युद्ध में, और पितामह भीष्म का उठने का तो हिम्मत नहीं है, अभी तो तबीयत ऐसा है, पड़ा हुआ है सर्वसज्जा में, फिर भी
सर झुकाकर नमन किए, वो सोते हुए भी आंखें मूंद कर प्रणाम किए ठाकुर जी को, विनम्र श्रद्धांजलि। और भगवान श्री कृष्ण जी अमृतमय दृष्टि डालकर, पितामह भीष्म का ऊपर अमृतमय दृष्टि डालकर ऐसा पूछे, पितामह आप कभी आप कैसे हो अभी? पितामह भीष्म का ओर, पितामह भीष्म का ओर अमृतमय दृष्टि डालकर ये पूछना शुरू कर दिए, आप कैसे हो अभी, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे तो अमृतमय दृष्टि के द्वारा भगवान जब पितामह भीष्म का ऊपर दृष्टि डाले तो अमृतमय दृष्टि के द्वारा जितना सारा जखम है, कष्ट है, सारे एकदम मिट गया। और उस समय में पितामह भीष्म अपना स्तप करना शुरू कर दिए, बहुत सारे स्तप किए, जे जिनके पक्षे पंचपांडव का पक्ष भगवान स्वयं है, इन लोगों का दुख कैसे हो सकता, हाय हाय। उसके बाद बहुत सारे श्लोक किए, उतना चर्चा करने का भी टाइम नहीं है। जूधी तुरगो रजो विधुम्रो विश्वक कचो लुलित श्रमो बर्जालंकृतास्से ममो निशीत शरीर विविद्यमानस्तची बिलसत कवच अस्तु कृष्ण आत्मा। ये श्लोक है भागवत जी महापुराण का पहला स्कंद का नवम अध्याय 34 श्लोक। जूधी तुरग रजो विध्रुम विश्वको कचो लुलित श्रम वार्यालंकृता से ममो निशीत शरीर विविद्यमानस्त्वची बिलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। इसमें वर्णन है युद्ध क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण जो रथ का जो चलन से, रथ का चलने से जो धूलिकण उत्थित होते हैं, चारों ओर धूलि, ये धूलिकणा देखे भगवान का जो सुंदर केश विन्यास और आंखें मुखे पद्म पलाश लोचन, भगवान का एक ये न जाने कैसा एक अनोखा सौंदर्य पैदा हो गया। ठाकुर जी का सब कुछ ही सौंदर्य है, जो कुछ भी करो सब सौंदर्य है। जूधी तुरग रजो, युद्ध क्षेत्रों का और रथ चलने के वजह से जो धूलिकण, इसके द्वारा सारे एकदम अंग प्रत्यंग जो है ठाकुर जी का कच माने केश विन्यास सारे भरपूर भरत हो गया। और श्रमो बार्यालंकृत, श्रम बारी इसको डिवीजन करके संधि विच्छेद करके परे श्रमो बारी अलंकृता से, श्रमवारी मतलब जो परिश्रम हो रहा है उसके कारण जो 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 पसीना निकल रहा है, ये भी जैसे ठाकुर जी का शरीर में लगता है कि एक एक करके मुक्ता का एक विन्यास बहुत सुंदर, उसका ऊपर सनलाइट गिरा। और ममो निशितो, मेरा जो तीक्ष्ण एकदम बहुत तीखा मेरा जो सर है, इसके द्वारा विभिन्न विभिद्ध मानस त्वची, इसका जो त्वचा है शरीर में खतविक्षत कर दिया। और कवच कुंडल जो कि भी है, बिलासत कवच वस्तु कृष्ण आत्मा, युद्ध गित्व में ऐसा ऐसा हालत, घर्म जाल आवृतो मुखमंडल परिशोभितो, मेरा बाणों के द्वारा इसका जो गात्र चर्म है खतविक्षत से, ये कृष्ण को ऊपर में मेरा मन जो है रमन करे, ये आश्चर्य की बात है, ये तो बड़ा हैरान की बात है। एक तो बोलता है मेरा ठाकुर जी भगवान, और भगवान को मारना क्या किए, क्या
भक्तों का काम है क्या? अब ये बोल रहा है कि मेरा ये जो नजर, मेरा मन जो है ये इस पर, ये झांकी पर रहे, ये कैसा झांकी है? ठाकुर जी का शरीर से खत से खून निकल रहा है और सब कुछ हो रहा है, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता? इसका समाधान क्या है ये विचार बनाना, नहीं तो हमारा अपराध हो जाएगा पितामह विश्व के चरणों में। ये विचार बनाना जरूरी है कि कैसे ऐसे हो सकता कि एक भक्तो ठाकुर जी को बांध चलाए वो, उसका बात भक्तो तो एक एक किस्म का है, प्रहलाद महाराज एक किस्म का है, ध्रुव महाराज एक किस्म का है, वो अलग अलग किस्म का, भक्तो तो एक किस्म का नहीं है ना। तो इधर जो ये समाधान क्या है, समाधान ये है जैसे जय विजय के साथ जय विजय को ठाकुर जी इच्छा करके जगत में लाए, ठाकुर जी का अंदर में वीर रस आस्वादन करने का इच्छा भाई पैदा हुआ। जब चतुसन ने बताया ठाकुर जी हम लोग अन्याय कर दिया और साप दे दिया, ठाकुर जी नहीं ये मेरा ही इच्छा थी, मेरा इच्छा, आपका कोई कसूर नहीं है। तो वीर रस आस्वादन करने का ये इच्छा, ये पितामह भीष्म का साध्वी विश्वनाथ चक्रवर्ती जी हैरान करने वाला जवाब दिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती का जो विचार है इतना ऊपर है, पितामह भीष्म युद्ध क्षेत्रों में प्रतिज्ञा किए कि आपको अस्त्रों पकड़ाएंगे, पकड़ा के छोड़ेंगे, और भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं हम सारथी बन के रह जाएंगे, हमारा अस्त्र वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं पकड़ेंगे। पितामह भीष्म बोले नहीं तुमको पकड़ा के छोड़ेंगे। ये युद्ध रस, ये जो युद्ध रस भगवान श्री कृष्ण का अंदर में युद्ध रस आस्वादन करने का जो इच्छा, ये कहते यहां युद्ध रस मत, हम अपना ठाकुर जी के साथ इच्छा करके, जब रिसलिंग होता है ना कुश्ती, हमारे एक पर्वत महाराज थे गोवर्धन का सहारे रहते थे, अभी भी है पर्वत, पर्वत बाबा का मठ, वो कुश्ती की ब्रजवासियों के साथ कुश्ती करते थे, मजा करते थे। बाहरी दृष्टि में हमारा बहुत कठिन काम है, बहुत कष्टदायक काम है, दुखी हो जाते हैं, हमें क्यों लड़ाई करते, क्या दरकार है, लेकिन ये लोग अंदर में एक मजा पैदा होता है, कुश्ती बॉक्सिंग जूडो कैराटे ये न जाने क्या क्या मजा होता है, लोग हम लोग का तो मजा नहीं दिखा देते, लेकिन ये लोगों का मजा है, आप आखिर नहीं मानोगे कैसे मजा है कौन जाने। विश्वनाथ चतुर्थी कहते हैं कि जब कंदर्प रस में आविष्ट होकर नायक नायिका कंदर्प रस में आविष्ट होकर मदमत्त होकर जब कोई नायक और नायिका दोनों में उलझ जाते एकदम बिल्कुल प्रेम करने में, उस समय में काम शास्त्र में है लोगों का नखराघात दंताघात बहुत सुखकर महसूस होते हैं। विश्वनाथ चतुर्थी मत है ये सुखकर है, तब तो दुखी नहीं मानते हैं, ये हैरान की बात है, समझ में नहीं आ सकता। ठीक तद्रूप युद्ध क्षेत्र में आपको साधारण आदमी को ये महसूस हो पितामह भीष्म कैसा भक्त है, ठाकुर जी का शरीर से खून निकालने का व्यवस्था किया, तीखा तीर को चलाते, अब क्या करे, प्रेम की बातें प्रेमिक जानता है, और ये जो है वीर रस का स्वादन, इसमें बाहरी दृष्टि में पितामह भीष्म को निष्ठुर माना जाए, लेकिन हम क्या जाने भक्ति क्या चीज है, भक्ति क्या चीज है हम क्या जाने। भगवान को संतुष्टि विधान करना ही भक्ति है,
अगर तीर चला के ठाकुर जी संतुष्ट हो तो पितामह अब से कर दिया, क्या कसूर है? अगर भगवान श्री कृष्ण बलदाव जी महाराज बड़े भाई का पैर दबा के संतुष्टि विधान होता है तो बलदाव जी मतलब कर ले खूब, मेरा पैर दबा ले, इसमें अगर तेरा सेवा हो तो हो, मेरा तो सेवा नहीं है। अरे तुम्हारा पैर दबा तुम्हारा सेवा नहीं, नहीं मैं तो सिर्फ इसी का संतुष्टि विधान के लिए राजी हो गया। तो ये भक्ति क्या चीज है ये समझना बहुत मुश्किल है, कैसे कौन किसको बताए। ये युद्ध जो है ठाकुर जी के अंदर में शायद जरूर वीर रास युद्ध रास साधन करने का कुछ इच्छा पैदा हुई, इस लाय में पितामह से कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए ऐसा किया और तुम हमको प्रेम सुनो तो हम प्रेमी नहीं है ऐसा तुम निश्चय कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। सुरत युद्ध में उद्धत औद्धत वसत अत्याधिक नखराघात दंताघात ये होने से भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं होते, वह प्यारा। सो कारण ये है, ये असली कारण है रसो वैस तैत्तरीय उपनिषद का ये जो श्लोक ये जो सूत्र है रसो वैस रस एव ही अयम लब्धानंदी भवती अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण है। इसमें कौन सी बात है कि ये युद्ध रस आस्वादन नहीं कर सकता कि ये हो सकता? अखिल रसामृत मूर्ति जो भगवान है इसमें युद्ध रस भी तो है, विभत्स रस वीर रस युद्ध सब है। इनके प्रीति विधान करने के लिए भक्त प्रवर भीष्म देव जी इच्छा करके कौरव पक्ष गोहन करके ठाकुर जी का वह अस्त्र चलाया और कीपा को प्राप्त किए हैं। बड़ा गहरा विचार है, पितामह भीष्म भक्त है और ठाकुर जी का इच्छा का मुताबिक कैसे किए? शंकराचार्य क्यों भक्त, शंकर तो भगवान है वैष्णवानाम यथाशंभु तो क्यों मायावाद को प्रचार किए? बोला हम क्या करें, ठाकुर जी का आदेश है इसलिए मैं मायावाद को प्रचार किया, मेरा क्या कसूर है? भक्तों का काम है भगवान का जो प्रीति विधान करना। और एक बात जो है जो प्रतिज्ञा की है भगवान, हम अस्त्र नहीं पकड़ेंगे और पितामह भीष्म बोले कि देखो हम भी देखेंगे तुमको अस्त्र पकड़ा के छोड़ेंगे। ये दोनों में बीच में जो प्रतिज्ञा का जो एक विषय है, ठाकुर जी सर्वदा अपना प्रतिज्ञा को खूब डालते हैं, प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि देखो अपना प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा प्रतिज्ञा को सच्चा साबित करने के लिए रथ से कूद पड़े उछल पड़े। और ठाकुर जी का उत्तरीय जो है पीछे का कपड़ा है ये हवा पे उड़ के जा रहा है पीछे। स निगमम अपहायो मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर तुम अवप्लित रथस्थ। ध्यान दे के विचार करना, सौ निगमम अपहाय से निगम मतलब ठाकुर जी से जो आ रहा है, ठाकुर जी से जो आ रहा है वो निगम है। निगम का मतलब वेद वेदांत तो है, ठाकुर जी का श्री मुखारविंद जो निकालते हो तो वेद से अलग है क्या? एक ही तो है। तो ये ठाकुर जी जो बोला, ठाकुर जी बोले है ना जो सौ निगमम अपहाय, ये भी प्रेम है क्या? गीता गीता में माधुर्य नहीं है ऐसे कैसे बोल सकता? जब इधर हम देख रहे हैं कि सौ निगमम अपहायो मत प्रतिज्ञा रीतम अधिकर तुम अवप्लित रथस्थ, अपना प्रतिज्ञा को खंडित करके स्वयं मेरा प्रतिज्ञा को
साबित करने के लिए, सही साबित करने के लिए जो ठाकुर जी रथ से कूद पड़े और एक युद्ध क्षेत्र से पड़ा हुआ रथ का चक्का है उसको लेके बच्चा, गुरुजी बोलते थे जैसे पिता बच्चा को मारते हैं ना लड़का को, ऐसा करके ठाकुर जी अपना रथ को, रथ का एक चक्का को, व्हील को, अस्त्र तो नहीं है, लिया नहीं कुछ, ये चक्का को उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ा। भीष्म का दे रही, तुम्हारा पति का जा रहा है, तुम्हारा ख्याल नहीं है। मीमांसा ये है कि भक्तो भीष्म पितामह भीष्म, ये भगवान श्री कृष्ण का लीला का सहाय है। जैसे गीता का जो प्रवचन हो पाया, हो पाई गीता का प्रवचन जो है, ये जो लीला अर्जुन कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा विचार में नहीं है, फिर भी जब भगवान लीला करने के लिए अवतीर्ण हुए भाई, तो अर्जुन को लेकर आए और इसीलिए अर्जुन को एक पूरा हमारे सामने गीता का प्रवचन करने के लिए पूरा अर्जुन को इसी स्थिति में खड़ा कर दिया, अर्जुन को इसी स्थिति में खड़ा कर दिया। नहीं तो सही विचार करो तो ना तो अर्जुन क्षत्रिय है, ना वैश्य है, शूद्र कुछ नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का, धर्म का परे है, भगवान का पार्षद है, फिर भी ऐसा ठाकुर जी करा। तो पितामह भीष्म के बारे में भी ये समाधान है, भक्त पितामह सीय प्रभु लीला पुष्टि के लिए, लीला विलास का सहायक है, बाहरी दृष्टि में दुष्ट दुर्योधन का पक्ष में है, ये तो शरीर है पक्ष में, मन तो ठाकुर जी का पक्ष में, आत्मधर्म है ना, पितामह भीष्म का समाज धर्म और संसार धर्म नहीं, बाहरी दृष्टि में कर रहा है, भारी दृष्टि में कर रहा है ना, राजनीति समाज नीति धर्म नीति ये कर रहा है, लेकिन आत्मधर्म जो है पितामह भीष्म का सही ढंग से चल, सही सलामत चल रहा है, उसमें कोई खोटा नहीं है। भक्तो भीष्म पितामह प्रभु का लीला विलास का सहायक बन के आए हैं, अतः इनका जो चरित्र है ये दुर्ज्ञ हो अवितर्क, ये तर्क करने का बाहर है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं चलता। और बाहरी दृष्टि में देखा जाए गुरु का काम करने आया तो उल्टा कर रहा है, ऋषभ जी महाराज हमने बताया गुरु न सस्या सज्जनों न सस्या, हम बता दिया न मोचेद समपेत मित्र में सश्लोक, और चिरकुमार भीष्म पितामह काशीराज तनया अम्बा अम्बालिका अंबिका तीनों कन्या का सायंबर से अलौकिक क्षमता बांध अम्बा और अम्बालिका को भ्राता विचित्र बीज और चित्रांगद क्यों अर्पण करने के लिए, एक दिया अम्बालिका को दिए चित्र विचित्र बीज, बहुत सारे कहानी है ये, पीछे जाने का कोई समय नहीं है, अम्बालिका और चित्रांगदों के लिए अंबिका ये दोनों, और तीसरा जो कन्या है ना ये जो अम्बा और अम्बालिका को, अम्बा को दिया विचित्र बीजों को दिया अम्बा और अम्बालिका चित्रांगदा को अर्पण किए, और तीसरा कन्या जो है अंबिका ये तो पीछा नहीं छोड़ना चाहता है भीष्म का, और बोले हम आपको शादी करेंगे, आप कैसे करोगे, नहीं हम करेंगे शादी आपको ही करेंगे करूंगी, तृतीय कन्या अम्बालिका भीष्म को वरण करना पढ़ने का इच्छा प्रकाश की, पितामह विश्व प्रत्याख्यान कर दी,
अभिमानिनी, बड़ा अभिमान लेकर भीष्म का विरुद्ध शिकायत किए। भीष्म का जो अस्त्र गुरु है, भीष्म पितामह भीष्म का जो अस्त्र गुरु है परशुराम जी, इनके शरण में गए, आप बचा लो गुरु जी, हमको दुख दे रहे, स्त्रियों को स्त्रियों का दुख दिखा नहीं जाए, इसलिए परशुराम जी भीष्म को आदेश किए आप शादी कर लो। भीष्म बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना किए, गुरुजी ये हो नहीं सकता, मेरा प्रतिज्ञा चिरकुमार हमने व्रत लिया ना, अब कैसे, आप तो जानते हो। फिर भी परशुराम जोर जबरदस्ती करे, नहीं तुमको करना पड़े, अरे बार बार कर रहे, तो पितामह विश्व का गुस्सा आ गया, बोले क्या बात है, आप गुरु हो, आप मेरा मंगल का सोचते हो ना, तो मैंने प्रतिज्ञा ले, कैसे अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दे, ऐसा कैसे संभव है। परशुराम प्रीत नहीं हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, आप पितामह विश्व भी गुस्सा हो गया, ऐसा क्या बात है, शास्त्रों का युक्ति दे रहा हूं, अपना जीवन जिंदगी का प्रतिज्ञा निभाना है हमको, आपको ये युक्ति दे रहा हूं, आप मानते नहीं हो। अंतिम में जब परशुराम जी जोर जबरदस्ती की गुरु जी, तब पितामह विश्व गुस्से में आकर बोल दिया, गुरु रूपी अबली तब सो कर्जा कर्ज मनात कर्जा कर्ज मजान तो उत्पत नश्य परित्याग विधीयते, गुरु रूपी अबली तपस कर्जा कर्ज मजानत उत्पथो प्रतिपन्नस्य परित्याग विधीयते। महाभारत का उद्योग पर्व इसमें है। पितामह विश्व द्वादश महाजनों में एक है, इनके कहना तो मानना ही है। गुरु अगर विषय भोगों में लिप्त हो गया, स्त्री संग आदि विषय भोगों में लिप्त हो गया, पैसा आपका पीछे दौड़ रहा है, वो तो चेतना खो बैठेगा। गुरु किस लिए गुरु है, गुरु को गुरु क्यों बोला जाता है, गुरु को गुरु बोलने का ये कारण है, ये सर्वापेक्षा बृहद वस्तु अनंत देव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका गुरुत्व है। ऐसा नहीं कि हम गुरु बन के बैठ गया तो हमको गुरु बोलो पूजा करो, ऐसा नहीं। गुरु का गुरुत्व तो यह है तब तक सिद्ध होता है जब तक वो तमाम अनंत ब्रह्मांडों का जो गुरु है बलदाव जी महाराज अनंत देव, जब तक ये अनंत देव का साथ जोड़ा हुआ है तब तक इसका गुरुत्व तो साबित होता है, क्योंकि अनंत देवी गुरु रूपया। जब ये संबंध तोड़ जाता है इसमें गुरुत्व तो खो बैठता है, गुरु इसमें गुरु जी का कोई गुरुत्व तो नहीं रहता है, गुरु जी अभी लघु बन जाता है। जैसे बद्ध जीव, कोई बद्ध जीव अगर गुरु का काम करे, ये भयंकर नतीजा, भयंकर इनकॉन्सिबल, कोई बद्ध जीव अगर गुरु का काम करना शुरू कर दे, इसका नतीजा भयावह है, भयंकर। साधारण आदमी का पाप पुण्यों का जो हिसाब है, हिसाब किताब है, वो उतना भयंकर नहीं है, लेकिन जब एक बद्ध जीव गुरु का काम करने के लिए तैयारी हो जाता है, उसका भयंकर नतीजा आप देखे होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपका पास है, पूरा काम पे भरपूर है, विद्वेष है, लालच है, अभी भी गुरु का काम कर रहे। सनातन गोस्वाई को हम लोग अपमान करके छोड़ दिया, रूप गोस्वामी पाद को अपमान करके छोड़ दिया, क्या किया, अपमान ही तो किया, और क्या किया, जीव गोसाई पाद को अपमान करके छोड़ दिया, अपमान नहीं तो क्या है। इन लोगों का बातें को नहीं मानना यही तो अपमान है, वो जो शास्त्रीय विधान दिए हुए हैं उसको तोड़ मोड़ के नया नियम बनाना, यही तो पाप अपराध है, और क्या है, नया नियम बना लो बस हो गया। पोपा जी का नियम सारे तोड़ मोड़ के छोड़ दो, क्योंकि पोपा जी का नियम मना मान नियम पालन करने जाए तो गौरी मठ चलाना मुश्किल है। एक
उल्लू का पट्टा ऐसा बोलता है, कभी अगर बोलता है किसी को बोलते सुनो तो उल्लू का पट्टा है। गुरुजी बोलते थे ये पौपाद और भक्ति विनोद ठाकुर का नियम आदर्श नीति को पालन नहीं करते हुए अगर गौरीमठ चलाने का कोशिश करो तो गौरीमठ नहीं चलेगा, गौरीमठ नहीं, ये गौरीमठ दूसरा कुछ हो गया, उल्लू का पट्टा ऐसा बोलता है। भजन मान ले कुछ नहीं है ऐसा बोल दिया, अरे प्रभुपाद का बात मानने जाओ तो कैसे चल, अरे तू घर चले जा, घर चले जा तू, पूरा सम्मान एकदम मिट्टी में मिला दिया। तो ये जो है गुरु रूपी अवलितप्सो कार्या कर जो मना मजान, तो क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, क्या शोभा देता क्या शोभा नहीं देता, ऐसा विचार सब उत्पत पद में ऐसा विचार छोड़ के पागलपंथी उत्पत पद में अनश्य, ऐसा उत्पतगामी जो है, ऐसा उत्पतगामी गुरु को त्याग करना ही विधान है। इस समय में परशुराम और भीष्म का अंदर में बहुत बड़ा युद्ध आरंभ हुआ, बहुत बड़ा युद्ध हो, लेकिन ये जो परशुराम जी पराजित हो गए अपना शिष्य के सामने, क्योंकि ये उल्टा बोलने का कारण शक्ति नहीं रहा, अधर्म का पक्ष में जो रहे वो कोई भी हो गा शक्ति नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी। बड़ा भारी संग्राम शुरू हुआ, परिचय अंतिम में परशुराम जी पराजित होकर प्रत्यावर्तन चला गया। ये जो है कन्या जो है ये अभी दूसरा रूप पकड़ के आ गया, समझा हम बताएंगे, अभी दूसरा रूप पकड़ के आ गया पितामह विश्व से बदला लेने के लिए, दूसरा जन्म ले ली हाँ, और कुरुक्षेत्र युद्ध में कैसे हम बताएंगे। तो इसका बाद तो ऐसा विचार करते हुए हम लोग दिखा, बड़ा भारी गंभीर विचार है, नहीं तो पितामह भिक्षु का बारे में एक गलत फहमी होना ये स्वाभाविक है, कौन समझे महाराज इतना गंभीर विचार, पितामह भिक्षु क्यों उस पक्ष में रहा, क्यों नहीं बोला, बोलती बंद किया, क्या कारण है। पक्का बात तो ये है भक्तों का जो भी है क्रियाकर्म बाहरी दृष्टि में ये अन्याय लगता है, ये पक्का समझ के रहना, बाहरी दृष्टि में भक्तों का कारण अपेरेंटली अपेक्षिक दृष्टि में खराब लगता है, ये ठीक नहीं है, क्यों कर रहा है, लेकिन आपको ये मालूम होनी चाहिए कि भक्तों का हर क्रियाकर्म जो है सब ठाकुर जी का इशारा पे चलते हैं, ठाकुर जी को संतुष्ट करने के लिए ही है। कोई भी कारण अगर मौन रहा, इसका भी पीछे एक पॉजिटिव कारण है, पितामह अवश्य अगर वो ठाकुर जी की इच्छा से अगर ठाकुर जी का लीला पुष्टि के लिए आए, पितामह अवश्य अकेला ही उधर एकदम सबको एकदम बंद करके मुख बंद कर सकते, लेकिन पितामह अवश्य मौन रहा, इसका भी जो क्या कारण है, इन लोगों का पाप जो है बढ़ते रहे, दुर्योधन दुशासन आदि का पाप जो है, जैसे कंसों का पाप को बढ़ाने के लिए नारद जी महाराज जाके आग में थोड़ा घी का आहुति दिए, अरे ऐसे तो आग जल ही रहा है उसमें जाके थोड़ा घी को आहुति दिए, महाराज कहो कैसा विचार है क्या कैसे, अरे आओ सम्मान किए बैठाया, क्या स्थिति है आपका, हालत क्या है सब सुना। उसके बाद नारद जी महाराज स्वयं नायक जी महाराज कह रहे, राजन आपका ये विचार पक्का नहीं है, बोले क्यों, बोले ये जो आपने छोड़ दिया ये तो देवता लोग बहुत चतुर, ये आप ना आपने बोला देखो मेरा अष्टम गर्भ, अरे अष्टम गर्भ कैसे हिसाब किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8
और उल्टा गिनो, उल्टा गिनती करो कि 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 1। अरे हाँ ये तो ठीक पक्का बात है। देवता लोगों को विश्वास मत करो, कुछ भी कर सकता है लोग। अरे उल्टा गिनती करे तो एक नंबर छोड़ दिया आप, अरे राम 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 पकड़ो मारो। आपको लगेगा कि युधिष्ठिर, आपको लगेगा कि नारद जी महाराज झगड़ा लगा दिया। इसका झगड़ा लगाना भी भक्त का एक 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 सेवा है। वो एकदम लगा के आ गया, आंख तो ऐसे ही जल रहा है, उसमें थोड़ा घीता होती, थोड़ा घी का होती दे के आ गया। मारे चलो अब घी जलते रहे, अच्छा ही हुआ। कंस तुरंत जाके पहला बच्चा को पकड़ के ले, तो हम इसको मारेंगे। तुम तो बोला छोड़ दे, नहीं इसको भी मारेंगे। है ये मारना शुरू कर दिया। क्यों? नारद जी महाराज जो कुछ भी काम करते ठाकुर जी का प्रेरणा से करते, अपना मनमानी नहीं करते। तो इसमें सुविधा क्या होगी? सुविधा ये है ये इसका पाप का पूर्ति हो जाए। जब तक पाप का पूर्ति तक ना पहुंचे, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपेक्षा की, तब तक 108 पाप जो अपराध है उसको क्षमा करे। बुआ का साथ, बुआ को वचन दी कि कोई बात नहीं, हमारा जो लड़का शिशुपाल है, पशुपाल है, 108 अपराध जो है हम क्षमा करें, इसके बाद उसका हिसाब करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, 108। तो ये जो नारद जी महाराज जो है, या तो पितामह भीष्म कहो, कोई भी कहो, ये भगवान का जो लीला पुष्टि के लिए जो उचित है वही करते हैं। तो इसमें हमारा विचार नहीं चलेगा, तो क्यों किया, कैसे किया, अन्याय है न्याय है, न्याय अन्याय को कहां तक हम विचार करें। शास्त्रों का विचार इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है, यहां तक हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए गुरु वर्गों का विचार के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है, गुरु वर्गों का ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। जैसे गोस्वामी लोगों ने देखो, हम तमाम वेद वेदांतों को पढ़ने जाए तो कहां तक पढ़े, समय कहां है, समय है क्या? इतना तमाम शास्त्रों पढ़ने जाए तो समय कहां? इससे तो अच्छा है कोई महाजनों का सामने बैठकर, कोई महाजन का सामने बैठकर थोड़ा सुन ले शास्त्रों को, ये अनुभव का बात है। आज स्वर्ग गोस्वामी पाद जो है, तमाम वेद वेदांतों पुराण उपनिषद तमाम को विचार करके, एकदम मंथन करके हमारा सामने जो मक्खन को रख दिए बड़ा इजीली। यहाँ तक कि गोस्वामी लोग जाने का बाद भी, श्रीला सच्चिदानंद भक्ति में ठकर आने का बाद हमारा जितना सुविधा है, तमाम गोस्वामी लोगों का ग्रंथों को पाठ करना भी बहुत कठिन। कहाँ तक विचार करो, ऐसा तो शास्त्रों का ज्ञान तो है ही नहीं। और तमाम शास्त्रों को विचार करके सप्तम गोस्वामी श्रील सच्चिदानंद भक्ति में ठाकुर जी ने शास्त्रों का, तमाम शास्त्रों का निचोड़ को रख दिया। जैव जैव धर्म ने यहाँ वहाँ इतना सारे सुंदर विचार, उतना विचार करने जाओ तो हम तो मर जाएंगे, हम तो सकेंगे नहीं। स्वर्ग गोस्वामी के बारे में तो श्रीनिवास आचार्य जी ऐसा सुंदर लिखा है, नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हित करिनो तिभुवने मान्यो शरण न करो। ये है नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो, तमाम शास्त्रों का विचार करके बस उसका जो निचोर है रख दिया हमारा सामने, सारा सार वस्तु, इसमें मेरा सुविधा होगी। केशव गोस्वामी मायावाद वेदांत तो पाठ करके पूरा एकदम पल एक एक विचार करके उठा के रख दिए, ये लोगों के लिए संभव है, तेजियान व्यक्ति है। यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि ये मायावाद भाष्यो, महाप्रभु जी ने बताया मायावाद भाष्यो सुनिले हय सर्वनाश। महाप्रभु ये बताए मायावादी मायावाद मायावादी को देखने के बाद
शौचल कपड़ा का साथ नहाने का विचार बनाया महाप्रभु, यह आदेश दिए। लेकिन केशव गोस्वामी महाराज पूरा मायावाद विचार को एकदम पाठ करके सुंदर विचार करके उसको तोड़ मोड़ करने के लिए उसको पूरा अस्त्र बनाए। तो तेजी आसान नौ दुसाई बन्हे सर्वभूय यथा, ये लोग कर सकता है महापुरुष महालोक पितामह विश्व कुछ भी कर सकता है। बाहरी दृष्टि में क्यों विपरीत भाव, पितामह विश्व का जो भाव है विपरीत लगता है, विचार नहीं बैठता है, मीमांसा क्या है। लेकिन तमाम शास्त्रों का विचार करके ये निकाय विचार निकल आया, ये सही बात है। भक्तों का काम तो ये है जे ठाकुर जी को संतुष्ट करना, कोई कई को राम भगवान रामचंद्र बताए कि देखो आपने बोला मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, ये बता ना, ना बोले एक वचन दो, वचन दोगी और क्या, बोले मेरे को 14 साल के लिए हमको जंगल में भी, अरे कैसे हो सकता, हम तो मर जाए, ना 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 ना, तुम्हारा काम यह है कि मेरे संतुष्टि करना। तो कुंभमान ऐसा चीज मांगा ठाकुर जी कि समाज संसार में सब कोई कोई कई को घृणा करे, कोई किसी का नाम कोई कई नहीं रखेगा, इतना घृणा करे, मेरे लिए कुछ भी सहन कर सकती है, कुछ भी सहन, बोले हाँ ठीक है, पूरा तमाम दुनिया तुमको बदनामी करे, गाली दे, अपना लड़का भी तुमको गाली दे, सब साइन कर सकती हो, हाँ हम तेरे लिए सब कुछ करे, ठीक है तो कर लो, ते विचार करो। बाहरी दृष्टि में कई कई ऐसा कि कई कई का पास श्री रामचंद्र का जितना प्यार मिला कौशल्या का बस उतना नहीं, इतना बचपन से हैरान करने वाली बात है। ये बाहरी दृष्टि में हमारा विचार बैठता नहीं कैसा है, अरे बाप रे बाप कितना ऊंचा विचार है, हम कैसे समझे बद्ध अवस्था में। इसलिए बिना तर्क गुरु वैष्णव का अनुगमन करना ही सीधा समाधान है, सरल समाधान, गुरु वैष्णव का अनुगमन करना, उसका बातें को बात को मानना, विचार करना, ये ठीक है। अपना मनमानी विचार करने जाओ तो पूरा उल्टा बुद्धि। तो ये जो है बाकी ये जो 5 नंबर सूक्त में ये जो अर्जुन जी बताए इसका लंबा चौड़ा थोड़ा व्याख्या हो पाया। गुरु न हत्या ही महानुभावान श्रेयो भक्तुम भक्ष्यम भक्ष्यम अपीह लोके हत्वार्थो कामांग कामांस्तु गुरु गुरु निहैव भुंजीयो भोगानो रुधिर प्रदिग्धान, इसका विचार हो पाया। अभी 6 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि देखो न चैतद विद्मो कतोरण्यो गरीयो जद बा जयेमो जदि बा नो जयेयु जानेव हत्या न जिजीविषाम स्ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तो राष्ट्रः। अगर हम युद्ध में हम लोग युद्ध में जय हो जाए, युद्ध जय कर लिया तो और पराजय हो गया तो ये दोनों में कौन सी विचार अच्छा है, कौन सी चीज, ये कौन सी विचार अच्छा है। क्योंकि हमारा मंदिर में अभी भी यही विचार बन रहा है कि जो लोगों को युद्ध में मार कर जीवित रहना मेरे लिए संभव नहीं है, यही धृतराष्ट्र का पक्ष हो, लोग युद्धार्थो युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित है और ये दोनों में युद्ध करना उचित या
ना करना उचित या पराजित होना ही अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज कौन सी चीज अच्छा। कारण जिन लोगों को मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहता, ये धृतराष्ट्रीय जो पक्ष है स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातुराष्ट्र सौ विचार ये है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये प्रश्नों का मापिक लग रहा है लेकिन बिल्कुल ये परिप्रश्न नहीं है। गीता में आएगा ना, गीता में ये विचार जब तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति इति ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिन। अर्जुन का जो ये प्रश्न जो ये परिप्रश्न नहीं है, हम देखेंगे विचार करके। फिर भी ठाकुर जी करुणामय है, इसलिए स्वाधीनम तम प्रमण बोलने से ही प्रवचन शुरू कर दिया। दुर्सा कोई गुरु होता तो बोले पहले हम देखे शरणागत है कि नहीं तू, अगर शरणागत है अभी हमको बोला स्वाधीनम तम प्रपन्नम, अब जब हम बोला बोले नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे तो कैसा शरणागत है, ये हम देखेंगे विचार करके। न चैतद विद्मह कतोरण्यो गौरियो जद बा जयेमो जदी बा नो जयु जाने व हत्वा न जिजी विषामो जिजी विषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धातुराष्ट्र। ये विचार है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का ये प्रश्न है अर्थात अर्जुन का कहने का मतलब है हम युद्ध बंद करके भिक्षावृत्ति को अपनाएं या तो युद्ध करें, ये दोनों में कौन सी रास्ता अच्छा। एक तरफ भिक्षान्न ग्रहण करने में जीव हिंसा का कोई सवालत नहीं है, कोई विचार नहीं बनता जीव। एक तरफ भिक्षान्न ग्रहण करे ये तो क्षत्रियों के लिए बहुत सख्त माना है, सख्त माना निंदनीय है। और दूसरे तरफ देखो अगर हम भिक्षान्नों के द्वारा जीवन जीवन को गुजारा करें इसमें तो कम से कम जीव हिंसा का कोई सवाल नहीं है, इससे तो ये सही लगता है मेरे। और दूसरी तरफ युद्ध जब भी सधर्म हेतु प्रशस्त किंतु उभय पक्षों का अंदर में जो प्रबल युद्ध हो उसके बाद काटा पीटी सब मारा जाएगा, मरेंगे, इसके बाद क्या हो सकता। तो ये ऐसा है, ऐसा विचार करके अर्जुन का जो प्रश्न है क्योंकि ये लोग हम लोग अगर विजय भी प्राप्त किए फिर भी ये सज्जन बंधु सब पिता पितामह अगर मारे गए मर गया तो ये भी हमारे लिए पराजय ही है, एक तरफ का एक किस्म का पराजय है। इससे तो हमको लगता है कि भिक्षावृत्ति करना हमको तो लगता है ये अच्छा। देखो अभी ऐसा करते करते अर्जुन साबित करना चाहता है कि वो ज्ञानवान है, ज्ञानी है। इतना सारे युक्ति जो है, इतना सारे तरह तरह का विचार रख दिया, इसने लगता है कि अर्जुन बड़ा भारी पंडित है, ज्ञानी है। क्योंकि श्रुति में है समो दमो उपरति तितिक्षा श्रद्धान्वित है, ऐसा करके सब दर्शन करना उचित है। तो बाहरी दृष्टि में लगेगा अर्जुन का अंदर में कोई कमी नहीं है। ऐसा करके अर्जुन एक बार, लेकिन लेकिन यह विचार आता है दूसरा श्लोक में, जे कार्पण्यो दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म संगूढ़ चेता
जत श्रेयो सत निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्योस्ते अहम स्वाधि मम तम प्रपन्यम। इसमें लगता है कि अर्जुन का शरणागति जैसा कुछ चीज आए, कार्पण्य दोष अपत अपहत स्वभाव, वीर स्वभाव परित्याग किए, कार्पण्य दोष जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव। आप पृच्छामि इस अवस्था में आपको हम धर्म संकट में फंस गया, धर्म संगूढ़ चेता पजलिंग कंडीशन, इसमें धर्म विषय संगमूढ़ चित्त, कोई निश्चय नहीं हो रहा। जब श्रेय सत निश्चितम, जो निश्चित रूप में मेरे लिए मंगलदायक है, जत श्रेय सत निश्चितम, जो हमारा लिए बिल्कुल 100% मेरे लिए मंगलदायक है, जत श्रेय सत निश्चितम ब्रूहि तन में, ये हमको बताओ, क्योंकि हम आपका शिष्य है, शिष्यस्ते अहम स्वाधि मम तम प्रपन्यम, हम आपका शिष्य है, हमको शिक्षा दान करो, विचार बताओ। आपका चरण में प्रपन्न स्वीकार किया, स्वाधि मम तम प्रपन्यम शरणागत, लेकिन विचार करके हम देखेंगे अर्जुन तो ये कह रहे हैं कि स्वाधि मम तम प्रपन्यो, हमारा क्षत्रिय सुलभ जो वीरत्व तो हम खो बैठा, अभी हृदय दुर्बल हो गया, कार्पण्य दोष अभिभूत हो गया, और इसीलिए हमारा ये स्थिति है, कभी निश्चय नहीं हो रहा है क्या करना उचित होगी, निश्चय नहीं हो रहा है। आप ये बताओ कि जो निश्चित रूप से मंगलदायक, जत श्रेय सत निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्योस्ते अहम स्वाधि ममतम पवन्यम, पहला बात तो भगवान जब मुख खुले, पहले मुख खुले तब तो अर्जुन को गाली दिए, मुख खुलने का बाद ही साथ साथ अर्जुन को भत्सना किए, फटकार दिया। ये आचार्यों का काम ही है, ये आचार्य चीतो भसना, उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसका सिचुएशन, किसी आचार्य वास्तव गुरु का अंदर में कोई हिंसा देश नहीं है, फिर भी जो कठोर बात बताते तो इसका अंदर में आचार्यों का काम ही है, भसना आचार्य चित्त काम। अर्जुन का हृदय का भाव अपेक्षिक दृष्टि में वैराग्य का मापिक लग रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विश्लेषण करके बताए, कलमस क्लैब्य दीनता पूर्ण, बाहरी दृष्टि में लगता है ये बड़ा भारी विद्वान है, लेकिन ये कलमस क्लैब्य क्लिबता आदीनता पूर्ण मोह, ये मोह अज्ञान मोह, ये मोह अनार्जोचित असर्ग ओ अजसस कर, जस नहीं मिलने वाला। अभी जो है, अभी लगता है कि शिष्योस्ते अहम स्वाधीम प्रपन्न, इसके द्वारा लगता है कि जे अर्जुन शरणागत हुआ, लेकिन काल हम विचार करके दिखाएंगे जे अर्जुन का ये पक्का शरणागति नहीं, अगर शरणागति है तो ठाकुर जी जो युक्ति दे रहे हैं तब कैसे बोल सकते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, नौ ज्योत से हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे के बोल कैसे बोल सकता है। भद्दो जीवों का स्वभाव है, गुरु वैष्णव का चरण में कभी कभी शरणागति दिखाए, कभी कभी अपना मनमानी का रास्ता में चले, ये स्वभाव है। ठाकुर जी हंसता है, देखो तू अभी बोला शरणागत, हंसी उड़ाया, कैसा शरणागति, शिष्योस्ते अहम साधि मम तम प्रपन्यम,
तुम गुरु हो, हम शिष्य है, आप शासन करो, शास धातु मतलब शासन करना, सिखाओ हमको, तैयारी करो। बात ऐसा है जे फिर अर्जुन ने तैयार कर लिए, नहीं हमको युद्ध नहीं करना है। ये जो विचार है ये भयंकर विचार है, और पहले वाला श्लोक विचार करने का समय नहीं बना। अब ठीक है, मर्तो यदा त्यक्तो समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकित्सितो मे तदा अमृतत्यम प्रतिबद्ध मानो मयात्म भूयायो कल्पते वही। थोड़ी से स्पर्श करके छोड़ दे। मर्तो मतलब मर्तशील, मरणशील आदमी, जब समस्त क्या करना है नहीं करना है सारे छोड़ दिया, क्योंकि जब एकांत रूप में शरणागत निवेदितात्मा विचिकित्सितों में, जब ठाकुर जी कहते हैं कि मर्तो मरणशील मानुष जब समस्त कर्तव्य कर्म को छोड़कर सर्वधर्मान प्रत्यज्यो निवेदितात्मा हमारा शरण में आए, विचिकित्सितों में हमको ढूंढना चाहता है, हमको प्राप्त करना चाहता है, तदा उस समय जब इसका निवेदित आत्मा परिपूर्ण शरणागति सिद्ध हो पाते, तदा अमृतत्वम प्रतिबद्ध मान, उस समय उसका अंदर में अमृत 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 अर्थात भक्ति, तदा अमृतत्वम प्रतिबद्ध मान, तब अमृतमय हो जाते हैं। तदा अमृतत्वम प्रतिबद्ध मानो मयात्म भूया यो कल्पते भी, मेरा साथ एकाकार हो जाता है प्रेम के धारे। माना हमारा लीला का बीच में प्रवेश हो जाता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है। मयात्म भूया यो मतलब ऑलमोस्ट वननेस, एकता, चिंतन करते करते खो जाते हैं, इसका नाम मयात्म भूया यो कल्पते भी। अब इस विचार का साथ जो विचार अभी तक हो पाया आज, इसको विचार करके देखना कैसा सुंदर सिमेट्री है, विचार बनता है सुंदर। मर्तो यदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकित्सितो मे तदा अमृतत्वं प्रतिबद्ध मानो मयात्म भूयायो च कल्पते वै। वांछा कल्पतुर्वश्य के पास सिंधु व्यवश्य पतितानं पावन भविष्णभ्यो नमो नमः।